बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आई एम फराज लानी एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल रेमेडीज विद फराज लानी। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या एक आम आदमी बगैर वकील के अदालत में अपना केस खुद लड़ सकता है और कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साजे, यानी जो जिस काम में माहिर होता है वो दूसरों की निस्बत इस काम को बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकता है। जहां तक बात है आज के हमारे टॉपिक की, तो उसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि आप बाज सूरतों में तो अपना केस खुद फाइट कर सकते हैं, लेकिन बाज सूरतों में रिस्क लेना आपको नाकाबले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। एक आम आदमी बगैर वकील के अपना केस अदालत में खुद फाइट कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि अदालत में अपना केस फाइट करने के लिए आपको लाजमी वकील हायर करना पड़े। कोई भी पार्टी असालतन अपना केस अदालत में लड़ सकती है। अगर आपने कभी नोटिस या समन वगैरह वसूल किए हो या कभी देखने का इत्तफाक हुआ हो, तो उस पर लिखा होता है कि फलां तारीख को फलां वक्त फलां अदालत में आपको असालतन या वकालतन हाजिर होना है। तो असालतन हाजिर होने का मतलब यही है कि आप खुद पेश हों। असालतन पेश होने की मुतद्दद वजूहात या सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसा कि आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपने पहले से ही अपने केस में बहुत सारे वकील तब्दील किए हों और अब मजीद वकील हायर करने के लिए आपके पास पैसे मौजूद ना हों। ये हकीकत है कि आपको अपने मामले के हकायक का गहराई से इल्म होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी टाइमलाइन की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हकायक के साथ साथ आपको किसी भी कानून के बुनियादी या जुज़वी काम के तरीकेकार का इल्म होना भी जरूरी होता है, यानी किसी भी कानून के सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल पार्ट्स का नॉलेज होना जरूरी होता है। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल पार्ट ऑफ लॉ क्या है? तो इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी कानून है उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया सब्सटेंटिव और एक हो गया प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ जिसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाता है और साथ ये कि ऑफेंसेस पर क्या सजा दी जाएगी। प्रोसीजरल लॉ यानी सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये हमें प्रोसीजरल लॉ से पता चलता है। जैसे पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड आपका सब्सटेंटिव लॉ है, जिसमें ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है, और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड आपका प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें डिफाइन किया जाता है कि मुजरिम को कैसे गिरफ्तार करना है, बेल कैसे अप्लाई करनी है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करने हैं, ट्रायल कैसे स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की पार्टी है और आपको अपने एग्रीमेंट के क्लॉजेस का बखूबी इल्म है, लेकिन ये अकेले काफी नहीं होगा, आपको अपने एग्रीमेंट के क्लॉजेस के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस और एक सिविल सूट कैसे फाइल करना है इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबल लॉ की। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी जाब्ता दीवानी आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप इन तीन मुख्तलिफ तरीकों से अपना केस अदालत में पेश कर सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 3 रूल 1 ये कहता है कि आप इन पर्सन या असालतन यानी आप खुद अदालत में पेश होकर अपना केस फाइट भी कर सकते हैं और उसे डिफेंड भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट यानी किसी शख्स को पावरफुल अटॉर्नी देकर कि वो आपके बिहाफ पर अदालत में केस लड़े भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3 के थ्रू प्लीडर यानी अदालत में आप अपना केस फाइट करने के लिए किसी वकील की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आईने पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 19 भी आपको आजादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है कि आप पाकिस्तानी कानून की हदूद में रहते हुए अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर शहरियों को कानून की शिकों के बारे में नॉलेज नहीं होता और महज सतही मालूमात रखने से उनका मुकदमा जीतना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब दूसरी पार्टी की तरफ से किसी तजर्बेकार वकील की खिदमत हासिल की गई हो। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले आपको काबिले इतलाक कानून ढूंढना होता है, जो कि कोई केस लॉ भी हो सकता है या केस से मुतलका कानून भी हो सकता है। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इसको कैसे ढूंढना है, अदालत में इस पर बहस कैसे करनी है, और आपको ये भी जानना जरूरी है कि केस दायर करने का क्या तरीकेकार है और अपने मामलात को अदालत में किस तरह से पेश करना या उसको दिफा किस तरीके से करना है, सबका इल्म होना जरूरी है। सिविल केसेस में बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और पेचीदगियां होती हैं
बुनियादी कानून यानी सब्सटेंटिव लॉ के साथ साथ आपको अपने दायरा इख्तियार के सिविल प्रोसीजरल रूल्स, एविडेंस के रूल्स, अदालत के कवायद जवाबित, अदालतों के मुकामी कवायद जवाबित और इनमें शामिल तमाम टाइमलाइंस और डेडलाइंस का नॉलेज होना भी जरूरी है। यानी अगर कानून वाजिया तौर पर आपकी तरफ मौजूद है और आप मुद्दई हैं तो फैसला आपके हक में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी हो सकता है, और अगर आप डिफेंडेंट हैं तो आपके खिलाफ फैसला भी हो सकता है या फिर आपके खिलाफ मुकदमा भी खारिज किया जा सकता है। लेकिन आपको इन सब के बारे में आगाही होना जरूरी है ताकि आप इससे फायदा हासिल कर सकें। अदालत में कोई डूओवर्स यानी कोई ट्रिक्स वगैरह काम नहीं आती और आपका अपोनेंट आपकी हर प्रोसीजरल मिस्टेक पर झपटने का मुंतजिर होता है। इस तरह की कार्रवाई में ट्रायल कोर्ट के साथ साथ दूसरे फरीक की तरफ से पेश होने वाले वकील के लिए भी बहुत बहुत साबित होता है। हाँ, जमानत या बेल जैसे मामलात में मुल्जिम अपनी जमानत के लिए दलाइल दे सकता है, लेकिन दूसरे मामलात में ये बहुत मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। जैसा कि एक आम आदमी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, गवाहों की जांच पड़ताल, एविडेंस के कवायद जवाबित के बारे में नहीं जानता। अभी आपने देखा कि डिस्कशन के दौरान मैंने चंद कानूनी इस्लाहात, कानून और किताबों का जिक्र किया, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसके मुतालिक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमने जिक्र किया कि जी सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी ये सब क्या है। तो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजरल कोड 1908, जिसे हम उर्दू में जाब्ता दीवानी भी कहते हैं, ये सिविल नेचर के केसेस सिविल कोर्ट्स में सिविल जज के सामने किस तरीके से दायर किए जाएंगे, इसका तमाम तर तरीकेकार और तफसीलात सीपीसी में दी गई है। इसी तरह जाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें लड़ाई झगड़े, थाने कचहरी के मामलात होते हैं यानी क्रिमिनल मैटर्स, मैजिस्ट्रेट या सेशन जजिस के पास दायर करने का तमाम तर तरीका इसमें दिया गया है। इसी तरह कानून शहादत ऑर्डर की अगर बात करें तो सिविल या क्रिमिनल नेचर के जो भी केस होते हैं उनमें जो गवाह पेश होते हैं या एविडेंस, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री, उसके तमाम तर तरीकेकार की वजाहत इसमें की गई है। पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड, जिसे उर्दू में हम ताजीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, में तमाम तर जराइम और उनकी सजाओं को डिफाइन किया गया है। आपने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा कि जज अक्सर अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि मुलजिम को ताजीरात पाकिस्तान की दफा फलां के तहत सजाए मौत या उम्र कैद दी जाती है। इसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आईने पाकिस्तान 1973 में पूरे मुल्क के तमाम तर निजाम को चलाने के लिए तमाम कवानीन और कवायद जवाबित वाजे किए गए हैं। तो ये तो था मुख्तसर सा तारुफ चंद कानूनी किताबों का। अगर कोई आम आदमी अदालत में पेश होता है तो उसके लिए इन तमाम तर कवायद जवाबित से आगाह होना किसी हद तक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अदालत के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी आम आदमी को तमाम तर कानूनी कवायद जवाबित के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाए, क्योंकि ऑलरेडी अदालतों में लाखों केसेस जेरे इल्तवा हैं। तो ऐसी सूरत में जब कोई आम आदमी अदालत में पेश होता है तो अदालत रियासत के खर्चे पे यानी स्टेट एक्सपेंस पर इंसाफ के मुफाद में एक वकील फराहम करती है, जिसे हम डिफेंस काउंसिल कहते हैं, ताकि अदालत की कार्रवाई चलाई जा सके और केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आम आदमी अदालती डेक्रम से नावाकिफ होता है और नफसियाती तौर पर अपने केस को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव होता है, और अदालत में इस उजर की भी कोई गुंजाइश नहीं होती कि आम आदमी किसी कानून से लाइल्म था। कुछ अदालतें जैसे कंज्यूमर फोरम वगैरह के पास कोई मजबूत तरीकेकार मौजूद नहीं है। इस फोरम पे आम आदमी असालतन पेश होकर अपना मामला आसानी से हल करवा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो से मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।